कैमरा हाँ सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, मैं हूँ आपका बॉय हमजा मलिक एंड ये भाई हमारे साथ इन किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है, ठीक है। और आज हम लोग आपको लबरे किसकी पीछे गल कर रहे हो? महीने की बात कर रहे हो, ठीक है। ये हमारे खालिद भाई ए के ए डोरेमोन, ठीक है। आज हम इनके सेटअप की वीडियो बनाएंगे और हम लोग बताएंगे कि आप अपने घर के अंदर ये सेटअप किस तरह बना सकते हो, वॉल माउंट पीसी सारा कुछ, बत्तियां शत्तियां लगा के सारा सेटअप जिसने भी घर में बनाना है लो बजट में, कोई भी स्पेक्स हैं कोई भी चीज़ें आप ये घर में बना सकते हो। खालिद भाई हमें बताएंगे कि आपने इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट की है, किस मतलब कि तरह कैसे कैसे किल से ठोकने हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। किस तरह किल, थोड़ी से किल ठोकने हाँ, हैं, किस क्या तरह क्या मल्लेदारों से करना लामे लेने हैं कि है। रात को बिल्कुल 3 बजे किल ठोक रहे हैं, रात बता के के की तीन हो गया बजे सो लें सो दो। लें दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे ठीक है जी, ये मदर बोर्ड कहेंगे, इतना बड़ा बोर्ड कौन सा है, ये मदर ये बोर्ड है मदर बोर्ड है, ये कंपनी की तरफ से आता है, फट्टा कंपनी है, फट्टा कंपनी पट्टा कंपनी, फट्टा ये कंपनी। विन बोर्ड है। हाँ ये बेसिकली ना ये शीट होती है, इसको कहते हैं 4 mm की शीट, फोर मिलीमीटर, एमएम की, ठीक है। ये हाँ इसको आम जुबान में जो मार्केट की जुबान है, 4 सूत्र दी शीट, चार सूत्र की शीट चार होगी, सूत्र की शीट है ये। इसको ठीक है। ये मतलब चिपबोर्ड टाइप होती है, लेकिन ये भुरती नहीं है अच्छा, चिप हाँ ये जो, पतली वाली शीट होती हाँ है, चिप ये बोर्ड जो की, चिपबोर्ड है ना वो भुर जाता है, भूल जाता है। ठीक है। ये नहीं होता इस तरह, चार सूत्र की शीट हाँ है ये इस हमारी, ये वाटर प्रूफ होती है, इसको कोई इशू नहीं होता। इसके पीछे मैंने दो जो है वो लगाए हुए हैं, जिसके आप कहते हैं वो टेबलों की टांगे शांगे होती हैं, वो चार, टेबलों की टांगे वो किधर 1 से 1 सेंटीमीटर का ना एक राड सा होता है, लगे हैं, वो टांगे पीछे दो टांगे लगे टांगे, हुए हैं, अच्छा फटियाँ जिनको कहते हैं। फटियों पे लगी हुई हाँ है, वो फटियों पे ये बिल्कुल शीट ना, लगी है, वैसे ये सप्लाई था वजन तो को बर्दाश्त नहीं है से नोना। हाँ यहाँ पे फटियां शटियां लगी हैं, करंटी ना हाँ पैजे भी लो वो पिछो, आपको दिखाते हैं उतार के तरह इसे, तो ये फटियाँ शटियाँ लगी हुई हैं। कैमरा मैन साढ़े को आज के ना किधर, कैमरा मैन तुम सामने ही आओ, कैमरामैन सर हाँ तुम ना सर आप फट, तुम फटी सामने से ना जाओ आए। तो सबसे पहले वो बताएं कि नजर नहीं आपने आएगी। ये फटा लगाने के बाद रात को 3 बजे किल्ट हो से लामे ले लिए, उसके हाँ बाद फिर आपने क्या लगाया इसमें? फिर मेरे अबू ने दो लाइया, मेरे 80 की लाना थी बीच। फिर अच्छा फिर नहीं सर, उसके बेसिकली ना ये सारा जो मैंने बनाया, बाद ये मैंने पहले इसको सोचा कि मैं कैसे बनाऊंगा, तब मेरे थे 80,000 सब्सक्राइबर। गानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ मैं वेट कर रहा था अपने सिल्वर प्ले बटन का, आया है, तो मैंने कहा यार सिल्वर प्ले बटन मेरे पीसी च लगना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ एडिटिंग शेडिंग करके। बिल्कुल मैंने कहा यार इसके ऊपर पीस, इसको अवार्ड देना है हमने, ठीक वार है। देना, फिर नहीं वारना नहीं वार है, इसको अवार्ड देना है, ठीक है। देना, तो वो बेसिकली मैंने पहले सोच लिया था कि इसको पूरा डिज़ाइन करूँगा, ठीक हो ये गया, पंखों का डिज़ाइन इसमें नहीं था, हाँ ये वधू बन गया। वधू बन गया। हाँ मतलब कि ये वैसे ये फिर पंखे किसको वार दे रहे हैं ये पंखे मुझे, आप? कूल हैं या कूल हाँ बनना चाह रहे नहीं हैं? नहीं जो गर्मियाँ आती है ना गर्मियाँ, हाँ वो एसी चल रहा होता है, साथ में हम छोटा ऊपर वाला पंखा चलाते हैं, उसके बिल की सेविंग के लिए हमने ये पंखे लगाए हुए हैं, 1 वोल्ट का ठीक पंखा है। होता और है, पंखों के लिए हमने स्पेशल सप्लाई रखी है, इसको बंद करेंगे पंखे बंद, वाह चेक करो यार, 700 वाट की थर्मल टेक की स्नैप सप्लाई पंखों के लिए, सिर्फ पंखों के लिए, 6 पंखे चलाने के लिए कंप्यूटर सिर्फ ने उसे पंखे 400 वाट के दी देती है, इन्हू 700 वाट दिला देती। लिए, चेक करो यार खालिद हाँ भाई का। इसी तरह तो चले पंखे भी लग गए मारे, सारा कुछ हो गया, तड़े बुझ ने तड़े दो ला दिया, उस तो बाद की असल लगे। मेन इसका जो था, मैं सोच रहा था कि इसका ये ग्राफिक कार्ड किधर लगेगा, क्योंकि जब हाँ यही आप चैलेंज वॉल था आज, माउंट करते हैं ना, तो ग्राफिक बिल्कुल कार्ड का बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कितने लमकाना है, ठीक है। हाँ सही तो हो इसका गया, मैंने एक छोटा सा चिपबोर्ड का ब्रिज बनवाया, उसको मैंने ये येलो कलर की शीट लगाई, जो पेपर ठीक होता हो है गया, बाइक्स वाला पेपर है, ये बाइक पे बाइक और लगता कार पे रैपिंग लगता है, पेपर, हाँ वो है, इसको ऊपर लगाया। और इसके फिर ऊपर मैंने ग्राफिक कार्ड ये राइजर केबल से लगाया हुआ है, ये राइजर केबल काफी अच्छी क्वालिटी की लग हाँ रही जी, है, ये मैंने मतलब चाइना से मंगवाई थी स्पेशल, तकरीबन मुझे तब मिली थी कोई 32-33 सौ की, अब तो अल्लाह ही खैर करे स्कैल्पर्स सोने के रेट के साथ साथ ये भी बढ़ती हैं, ये अंदर सोना लगा है कोई, ऐसे ही बिल्कुल है। अब हाँ ये भी तो 5,045 सौ की केबल हो इसी गई होगी, तरह। राइजर केबल और फट्टे के ऊपर इसका आपने, एक फायदा भी है, ये बड़ा इस बजट का जुगाड़ किया है आपने, वैसे हाँ जी, ये इस तरह के जुगाड़ जुगाड़ा मैंने, भाई, टाई केबल्स मैं बड़ी टाई यूज़ करता केबल हूँ, लगा के, कोई जी चीज़ क्यूब समझ लगा ना के, लगे टाई तो टाई केबल ला दो केबल वो सेट लगा हो दो, जाएगी। इसको आपने तो प्लास से बिंगा नहीं किया जिस तरह अभी अपने पास में हाँ जी क्यूब कर दिया था, किस लिए हाँ ये इसी तरह जीप्यू, ये देखे ना अच्छा जीपीयू पहले हमने जीपीयू पकड़ के बिंगा कर प्लास दिया है, चिढ़ा कर दिया उसकी खाली रीज़न भाई ये है कि ने, जब इस तरह डायरेक्ट मदरबोर्ड के लगाएंगे ना, नीचे फट्टा है, वो फट्टे के अंदर सुराख करना पड़ेगा, वो सुराख बचने के लिए फिर ये हमने किया है। और ये सारा जो है ऑल टू ऑल मैंने खुद तैयार किया था, मैंने किसी कारपेंटर की मदद नहीं ली, सिर्फ एक जगह पे मैंने यहाँ सुराख करवाने थे, मेरे पास जिग सॉ नहीं थी, अब मैंने अपनी ले ली है, वहाँ मैंने खुद किए हैं सारा कुछ। ठीक हो गया, तो फिर मैंने सुराख सिर्फ कारपेंटर से करवाए थे, बाकी खुद मैंने सारा कुछ डिज़ाइन किया, उस खुद मैंने किया। और मॉडर्न ये प्रॉब्लम्स SSD रिक्वायर थी, मॉडर्न हाँ सॉल्यूशंस, क्योंकि साइबर पंक बना रहा था, आए हाय साइबर पंक की आपने हाँ बात कर दी है इस बात हाँ पे, जितने भी भाई के फॉलोवर्स हैं आपको पता, साइबर पंक का आपके भाई भी लवर है, खालिद अच्छा भाई भी साइबर पंक लवर है, ऐसे ही ओ है भाई साइबर पंक का लवर हम हैं, लेकिन राम ना गाल करो चले साइबर पंक भी हो गई। तो
साइबर पंक का वो इसकी तरफ देख रहा था, उसकी तरफ देख रही थी, आपस में मोहब्बतें हो रही थी, लेकिन वो पता नहीं किसने इधर से उड़ा दिया। मैं यार मोहब्बत होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। और ये हमारा कूलर है जी, साइलन साइलन। तो ये मेरा ये ग्राफिक कार्ड है जी, जिदो दिल कर दा। इसका एक और फायदा है, जिदो दिल करे इनू फड़ लो, जिदो दिल करे इनू छड़ दियो, कोई मसला नहीं। सप्लाई ना फड़े हो, डड्डू नू करंट पै गया सी। की शायद फड़न दी गल कर रहे हो तुसी बार बार? डड्डू आया कहंदा ओ कहंदा करंट पै गया सी उनू। डड्डू डड्डू बेचारे के रोस्ट हो गए ने मारे नान भैया। हां चले जी, सारा कुछ हो गया, आपने ये सुराख भी करवा लिए कारपेंटर से, उसको जीपीयू भी लग गया हमारा। मदरबोर्ड किस तरह चिपकाया आप? मदरबोर्ड खड़पेचों के साथ जो लकड़ी को लगने वाले किल होते हैं ना, वो इसके सुराख में देंगे। स्क्रूज जब आपने मदरबोर्ड में इसे घुसाए थे, कोई डैमेज का खतरा नहीं होता? नहीं, डैमेज का खतरा हुआ था, लेकिन इसके नीचे मैंने वाशने नहीं होती जो, हाँ, उनके दो तीन पेयर बना के लगाए हैं पहले। हाँ, कि वो मदरबोर्ड थोड़ा उठा हुआ रहे, उससे ना कोई टेंशन नहीं होती। ये भी सही है वैसे, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मदरबोर्ड लगाना है तो बड़े ध्यान से स्क्रूज जब आप कर रहे होंगे तो वो मदरबोर्ड के अंदर भी। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जिसने ये सेटअप करना है वो दिल गुर्दा रख के करे, क्योंकि मेरा दो बार मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, डायरेक्ट ख़राब। कि जो छोटे बच्चे ने ना शावर ना वैसे सफाई करी दी है, लेकिन वो उत्ते भी इदा ये देखो मैंने पानी डाल दिया, इस तरह भी करते हैं, फिर मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। अभी आग भी लगी एक बार सेटअप पे, तो सियापी तो गया धुआं निकले चंगा पला। नहीं नहीं, वो धुआं निकलिया थी, मैं अग लग गई, ये कड़ा पलादा है जी, अग लग गई। चलो धुएं तो बाद अग ही लग दी। हेलो, तुम अग लाना चाहते हो, मतलब अग ला देती है यूट्यूब पे, अग लानी है सी। बाकी ये मेरी क्रूशियल की एसएसडी है 512 जीबी की फॉर विंडोज, और आप देख रहे होंगे कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं है, वो मेरे को ही नहीं है कितने। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हार्ड ड्राइव नहीं है, मेरे को नजर आ रही है। हां, पजारो खड़ी है लेकिन हार्ड ड्राइव नहीं है, पजारो के अंदर लगी हुई सारा 4GB का सिस्टम लगा हुआ है, डिग्गी चलाया। डिग्गी चलाया। अच्छा, ये जो है ना मेरा जो सेटअप है मुकम्मल, वो नीचे है। नीचे एक मैंने कोर टू डू पीसी रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने 6 TB की हार्ड ड्राइव्स लगाई हुई हैं फॉर डाटा ओनली, और इसको एज अ नैस मैंने रखा हुआ है। मेरे दो पीसी हैं बेसिकली, उधर भी एक पीसी है, हमजा भाई उसे भी दिखाएंगे, वो भी थर्ड जनरेशन है i5। और ये जो मेरा मेन पीसी है i7 थर्ड जनरेशन है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक LED लगाई हुई है, और साथ ये भी पीसी मेरे नैस से कनेक्टेड है। जितने भी मेरे घर के पीसी, लैपटॉप या मोबाइल है, वर्चुअली मेरे वर्चुअली तो नहीं कह सकते, मोबाइल आप कह सकते हैं वाईफाई के थ्रू। और ये जो है एक स्विच लगाया हुआ है मैंने नीचे नेटवर्किंग के लिए, वहाँ से सारे पीसी मेरे कनेक्ट हैं। बेसिकली जो नीचे पीसी पड़ा हुआ ना, सारा डाटा उसके अंदर स्टोर किया हुआ है नैस के नेटवर्क के थ्रू। नैस नेटवर्क, हाँ नैस कह सकते हैं, NAS जो भी है NAS, ये भी कह सकते हैं NAS, चल NAS पार्टी कर, NAS छुट्टी कर उन्होंने, सारा डेटा इसके अंदर है, और इसको आप एक्सेस कर सकते हो जो भी डिवाइस आपके घर पे नेटवर्क। हां, ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो मैंने, अभी ये पीसी को मेरा इरादा है कि पीछे रख दूं, क्योंकि यहाँ ये बुरा लग रहा, थोड़ा सा कोर टू डू पुराना मॉडल है, तो इसको कि पीछे रख दूंगा, बस इसे नेट से कनेक्ट करूंगा और मेरा सारा डाटा इधर आ जाएगा। और वो मैकबुक भी पड़ी हुई है। ओह, मैकबुक देखिए, M1 Pro, ये मैकबुक है, इसमें जो चीज इस्तेमाल की नहीं है वो इसके अंदर डाल देते। मैकबुक M1, ठीक है जी, क्योंकि मैकबुक, आई लव मैकबुक, उसके बगैर मेरा कमरा बहुत गंदा रहता है, इस वजह से खाली मैंने मैकबुक हाँ सामने रखी हुई है, सामने रखी है, सामने रखी है, तो किसी टाइम लत्ता भी रख लेता था कि जमाना मैकबुक देते। देखो, एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती है, टांगे भी सपोर्ट करती है, टांगे भी सपोर्ट करती है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और कुछ हम एसेसरीज की तरफ आ जाते हैं, कई लोग मुझसे PPG के अंदर पूछते होते हैं, जो हमारा ग्रुप है माशाल्लाह बड़ा कमाल का, फ्री की प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे कोर्ट पैसे कल दो। अच्छा, ये जो है एक मेरे पास कीबोर्ड है जो कि मेन पीसी का लगा हुआ है, ये ब्लडी का, ये जो है ये बैक वाला है। और ये कीबोर्ड मुझसे पूछते होते हैं कि भाई जन केड़ी मल्टीटास्किंग कर रहे हो, दो कीबोर्ड रखे रहे। ये बेसिकली मेरे सर्वर का कीबोर्ड है, और सर्वर मेरी इस LED से कनेक्ट है, और जब मैं सर्वर को किसी काम के जरिए एसेस करना चाह रहा हूँ, मतलब कि कोई ऐसा काम करना चाह रहा हूँ जो उसे चला के ही होगा, तो फिर मैं ये कीबोर्ड के जरिए उसे एसेस करता हूँ, उसका जो माउस है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, कैसी गल है, सर्वर नो गेमिंग माउस लाया, दूसरे नॉर्मल। ये भी वही लॉजिक G102 लाइट सिंक, बहुत अच्छा माउस है, बहुत अच्छा। मैंने भी इस पे CS:GO खेलने की कोशिश की थी, कल्ले बंदे को मैं फड़ के चिपड़ा मरवाने, बहुत कुट पई इन्हां नु, यकीन करो। क्या होगा, लगता है अबे लग रहा है, इन्नियां चिपड़ा पईयां ओ बाहरो, कहंदे ए की होंदे अंदर, मैं कहया मुंडे नु कुट पै गई यार, बड़ा मसला। लिटरली भाई, मैंने गेम के लिए 6400 DPI में माउस हुआ था, कले बंदे नु फड़ के ना अपने आप नु चिपड़ा मरवाया। और कुछ अगर थोड़ी सी बात करें एक्सेसरीज की, तो भाई हमारे पास ऑडियोनिक का स्पीकर पड़ा है, जो कि रात को किसी टाइम रोलर डालता है, इसके अंदर कोई बक्चा गया लेकिन ओके चलता है।
और ये हमारे जो पंखे हैं ये डड्डू भाई ने हमें दिए थे, कोई ए टाइगर्स के पंखे हैं। ये 700 का एक पंखा था, पता नहीं 800 का, अभी तो काफ़ी महंगा होगा। ये ARGB है, ऊपर एक ट्यूब लाइट लगी है, वो भी 1000 की हमने ली थी। हाँ, डबल ए टाइगर्स, वो भी हमें तकरीबन 1000 की पड़ी थी। इसके साथ ARGB कंट्रोलर बैक साइड पे लगा है, और हमारा सिल्वर प्ले बटन जिसे चांदी का पानी चढ़ा के भेजा उन्होंने। इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह आपके भाई का भी एक दिन आएगा, ड्रीम है। इसी तरह स्पेशल रखा हुआ है कि जिस टाइम भी हमें कोई अंदेशा हो कि कंप्यूटर हीट अप हो रहा है, असि फौरन किन्ना है 97, चलो ठीक चल रहा है। मैं बहुत गर्म हूं। 97.6 खालिद भाई, इज टू हॉट। मेरा कितना 97.6? ओए नहीं, ये 1 डिग्री काटा है, बता तो बोटा होगा। अच्छा जी, बराबर है क्या? सारी चीजें तो चलो हो गई, आप लोगों को पता लग गया क्या चीजें कैसे लगाई हैं। बेसिकली सारी चीजों में खड़पेचे लगाए हैं खालिद भाई ने। हाँ। इस साइड पे स्ट्रिप्स लगा के खड़पेचे, जो भी चीज अड़ानी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। इनो स्ट्रिप नहीं कहंदे, इनो लोहे की पट्टी, लोहे की पट्टी कह लो, अब खुड्डे वाली पट्टी है। ARGB पट्टी लगी जी, मिनट तेरी करंट पेगा पै सकदा है, नहीं पिया मसला कोई नहीं, बचत हो इस प्लाई नुनाथ लगा ऊपर खड़पेचे लगा के हर चीज के साथ चिपकाया हुआ। डबल टेप यूज कर सकते हैं, अगर अगर नहीं डबल टेप सप्लाई नहीं ना रुकेगी, सप्लाई नहीं 1 किलो की सप्लाई पाओ पक्के तुसी डबल टेप ला सकते हो। हां बट ऐसे सप्लाई नु नहीं, दो दो सप्लाईयां लगी हुई हैं, ये भी एक वखरा हिस्सा आएगा। तो अब बात करते हैं पीसी की, और उसके अंदर स्पेस देने के लिए स्विच वाड़ता एक। हां ये भी वैसे काम है जी, अब कंडक्टर हो गया तो फिर नहीं, वो स्विच प्लास्टिक का है, बीच लोहे की भी है, उन्हें लोहा बाहर काट देता है, लताओं दिए बीच है। तो चलिए अब बात करते हैं मैंड पे पीसी की स्पेक्स की, तो मैं स्पेक्स के बारे में बताएं खालिद भाई। ये स्पेक्स है जी, ये जो i7 द थर्ड जनरेशन का CPU i7 3770 टॉप एंड, इससे ऊपर नहीं आता, 4 कोर 8 थ्रेड विदाउट के। हाँ जी, और इसके अलावा इसके अंदर मैंने लगाई हुई 12 GB की रैम, और अब मैंने 16 करनी है, क्योंकि ये 2 स्लॉट्स वाला मदरबोर्ड था। पहले मेरे पास था 4 स्लॉट्स वाला, पहले मेरे पास 16 चल रही थी, लेकिन उसको मुझे निकालना पड़ा क्योंकि 4 GB की रैम मैंने दूसरे पीसी में लगा दी फिर। और 1060 3GB GBG है, और ये क्रूशियल की है वैसे, लेकिन पीले रंग कर देता है। हाँ इसी तरह ये जो वायर थी बड़ी रंग बिरंगी थी, तो इसको भी हमने टेप किया हुआ है। सप्लाई व्हाइट कलर की थी, इन्होंने उसे रंग करता अल्लाह का नाम लैके, इधर बिच भी मारिया रंग, लेकिन सड़ी नहीं, बच गई नसीबा ले। उसके बाद ऊपर ये फॉर्म्स, ये चीज किसी ना काम दे, वैसे इनका कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई एको नहीं कम हो रही। हाँ, सिर्फ एको कम करने के लिए स्पेशली मैंने पर्दे लगाए और कारपेट बिछाया था, अभी उठा दिया, मैं पहले बिछाया था। कारपेट से फर्क पड़ सकता है, एको वगैरह का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर लगाना है तो पूरी दीवार भरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि आपकी आवाज बिल्कुल, या फिर आपकी छत भरी होनी चाहिए, या छत भी भरी होनी चाहिए। तो एक खाली ये पैनल लगाने का अगर कोई सोच रहा है तो एको इससे कम नहीं होती, शशका आप लगा सकते हो, शशके के लिए लगा सकते हो, ऑडियो का कोई लेना देना नहीं है इससे। और ये जी हमारे पास एक ये जिसे हम हेडफोन कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सेटअप के लिए, ये एक्सट्राइक, क्या कंपनी है ये? एक्सट्राइक है, स्ट्राइक कंपनी है जी, स्ट्राइक मी, ये डड्डू भाई ने हमें दिया था। स्ट्राइक कितने करनी तुम्हें? हेलो, एयर स्ट्राइक, ये भी डड्डू भाई ने गिफ्ट दिया था, तो ये हमारे पास चल रहा है। गिफ्ट ऑल असी जिसे पहले लाए सी, ठीक है जी। इसका क्या काम है भाई? ये जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, बचपन में मेरा ख्वाब था मोटोरोला लूँ, उस टाइम हालात ने इजाज़त नहीं दी, आज मैंने मोटोरोला बाय किया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, लेकिन आ डेग गया मेरे को, वो भी सुटता है, वो भी सुट के खराब करता है, वो भी सुट के खराब करता है। चलो कोई नहीं, अब क्या चीज़ रहेगी। स्पीकर्स, ये स्पीकर बहुत लग्जरी स्पीकर्स हैं, ये 750 के मैंने लिए, ये मार्क लेविंसन के स्पीकर्स हैं। हाँ, पूरे सेटअप में सबसे महंगी चीज ये है, साडे मोहल्ले च रहंदा वो। और एक और बात आपको बताऊं, ये स्पीकर जो है ना, इसकी एक खास बात है, ये तो पानी पीने वाली है मेरी बोतलों ने, इधर उसमें कोई सामान भी है। इस स्पीकर के पीछे मैंने LED का स्टैंड लगाया हुआ है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, चेक कर रहे हो, मार्क लेविंसन प्लस खाली टेक्निकल, $5,000 का स्टैंड है। मार्क लेविंसन जो आपके मोहल्ले में रहता है ना, उसने गिफ्ट किया। वैसे यार ये काम बहुत अच्छा है। हाँ, जिधर घुमाना कमा लो, महफिला भी हो जाती है। आहो और यहीं से इसका ब्राइटनेस लेवल कम ज्यादा होता है, और इसका भी जल्दी रिव्यू हमारे दूसरे चैनल यूर PC
गाइड के ऊपर आने वाला है। बता दूं स्लाइड का क्या होता है, आपकी आई स्ट्रेन को रिड्यूस करना इसी तरह, क्योंकि नॉर्मली जब आप काम कर रहे होते तो रूम की लाइट सारी बंद होती है, स्क्रीन की लाइट जो है काफी ज्यादा ब्राइट होती है और कीबोर्ड पे आपको नजर कुछ नहीं आ रहा होता, तो आपकी आईज का एक्सपोजर बार बार एडजस्ट कर रहा होता है कभी डार्क कभी ब्राइट के हिसाब से, तो आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। तो ये लाइट आपके नीचे टेबल पे लाइट उतनी थ्रो कर सकते हो, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, जितनी आपके मॉनिटर की ब्राइटनेस है आप इसको चेंज करो लाइट को, इसका टेम्परेचर चेंज करो। ऐ हुंदा क्यों नहीं पिया ये, तुसी जरा चज ना करो ना नु करो। हां ये इसका कलर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो भी आपने रखना है कंप्यूटर कलर टेम्परेचर वो रख सकते हो, और आपको कीबोर्ड पे माउस वगैरह पे डेस्क पे प्रॉपर लाइट आ सकती है, जिससे आई स्ट्रेन का ये पीसी हम एक नया तैयार कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा चैनल पे। अब इसके अंदर तैयार क्या हो रहा है, ये i5 का थर्ड जनरेशन का पीसी है, लेकिन ये मैं तैयार कर रहा हूँ थोड़ी वीडियो एडिटिंग पर्पज़ के लिए। तो अभी इसके ऊपर जो पखे शक्के RGB सामान है वो लगने वाला है, अभी ये बेसिक इसको चलाने के लिए RGB तौर पे तैयार कर लिया है। ये फुल्ली ये भी साइबर पंक एडिशन होगा, क्योंकि मेन हमारा साइबर पंक है, तो इसे भी साइबर पंक ही रखेंगे। और इसके जो पंखे हैं वो आने वाले हैं, अभी वो अरबाज भाई से आदिल भाई से ऑर्डर किए हुए हैं, आदिल भाई साढ़े पखे भेजेंगे तो लावांगे साइबर पंक। हाँ साइबर पंक एडिशन। सो सेटअप का ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया। अब खालिद भाई हमें ये बताएं, जब आपने ये सेटअप देखा आइडिया कहाँ से लिया आपने, मतलब किस तरह? यार एक ना सेटअप आता है रेजर का वो ओपन है बिल्कुल, उसके दो पाँव है नीचे वाली साइड पे एल्युमिनियम के, नहीं नहीं सिर्फ पैर ही नहीं वो टूंडा है अच्छा उसके ऊपर ना वो टेबल पे रखने के लिए वो ओपन है बिल्कुल, सामने की तरफ एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। मैंने कहा यार यही चीज़ अगर मैं दीवार पे लगाऊं बिल्कुल ठीक है, तो मैंने उससे आइडिया लिया। वैसे वॉल माउंट कुछ मॉडल्स आते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कुछ कंपनीज बनाती हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। एक ब्रांड का मैंने देखा था, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं था लेकिन वो तकरीबन केस ही $2,000 का था, बहुत ही महंगा केस था। हाँ इन्हें तो पूरा कमरा है तो इस करके ये करके फिर मैं ये बनाया फट्टा ये चीज़। तो ये चीज़ जो है ना इसके अंदर जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई वो ये थी कि पहले मैंने इसको डिज़ाइन नहीं किया था। हाँ। कुछ चीज़ें मैंने डिज़ाइन कर ली, हाँ। लाइक सिल्वर प्ले बटन लगाऊंगा, ग्राफिक कार्ड का मैं भूल गया कि यार ये किधर लगेगा। मैंने कहा था ये मदरबोर्ड के ऊपर लगता है इस तरह लगा देंगे, हाँ। लेकिन वैसे मज़ेदार नहीं आ रहा था, वो केबल यहाँ से निकलती नजर आ रही है। हाँ ये चीज़ तंग कर रही थी ग्राफिक कार्ड। फिर बाद में मुझे आइडिया आया कि इसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं। दूसरी बात मुझे पहले था कि सप्लाई को इसके अंदर लगा देंगे, बाकी तो खड़पेचों से लगा दी, सप्लाई के अंदर कोई पेच नहीं होता। फिर उसकी साइडों से ग्रिप करने में मसला आया। फिर सबसे बड़ा जो मेरे पास मसला था वो वायर मैनेजमेंट का था। जब हमारा घर बना मैंने यहाँ एक पाइप के थ्रू सुराख करवा दिया, वो देखिए एक 4 इंच का पाइप है जो मेरी यहाँ से जाता है और वहाँ से निकलता है और वो सारी तारें वहाँ से आ रही हैं। केबल मैनेजमेंट भी हाँ, मैंने कहा था कि उस मिस्त्री को कि भाई इसके अंदर 4 इंच का पाइप लगाओ, उसके अंदर से मेरी सारी तारें आ रही हैं। तो कोई भी अगर देख रहा है तो खालिद भाई बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग ये सेटअप करना चाहते हो तो आपको कौन कौन तारों का आ सकते हैं, सबसे बड़ा वायर मैनेजमेंट का मसला टैकल कर सकते हो। बिल्कुल मेन केबल मैनेजमेंट का मसला है, दीवार में सुराख करवा के नीचे से केबल, हालांकि मैंने दीवार में सुराख कराया है फिर भी इतनी केबल्स यहाँ से गुजर रही है बट स्टिल कवर हो रही है, कवर हो रही है। अगर किसी को ज्यादा मसला है ना तो फिर ऐदा ही है, रहने दो, कार बहुत सुकून ना उतनी चलाओ जो चल रहा है डब्बा है ये हो गया। उसके अलावा हाँ और रिस्क खालिद भाई इसमें लगाने रिस्क में क्या यार क्या सकते हैं? सबसे बड़ा रिस्क अभी ना मैंने PPG में पोस्ट लगाई, काफ़ी लोग कहते हैं ये तो मिट्टी का घर है, ये तो भाई तबाह हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास ये 2 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली चल रहा है और मुझे एक ही जगह मसला आया जब मेरा मदरबोर्ड ख़राब हुआ था, हाँ। वो हैं बच्चे बच्चे को बच्चा है उसके पास हाथ में कोई पानी वाली चीज़ है या फिर गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कोई बारह आया यार पसीना ही बहुत है मतलब तू साइड से सूट ला ठीक है वो ये चीज़ मसला आ सकता है। तो इसको फुली कवर अप नहीं है, सामने की तरफ टेम्पर ग्लास कुछ भी चीज़ नहीं है तो इस पर पानी का खतरा लगा रहता है क्योंकि कोई बंदा है वो इतने बह के खड़ा होकर पानी पी रहा है तो उन्होंने हंसा दो चलो खत्म टाटा बाय बाय गुड बाय। और आइडिया ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर आप एक्रेलिक का या प्लास्टिक का कवर बना के लगा जी, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल लगाने की कोशिश की है। फिर मैंने एक बंदे से पूछा भी था, वो कह रहे थे इसके ऊपर एक एक्सटेंडर्स लगेंगे स्टील के फिर उसके ऊपर एक ग्लास लगेगा, लेकिन उससे मसला ये आ रहा था मेरी पोर्ट्स तक की रसाई बड़ी मुश्किल हो रही थी ठीक है और इसकी एयर फ्लो के लिए मुझे साइडों से पंखे लगाने पड़ रहे थे कि एयर फ्लो इस तरह जाए। अभी तो क्योंकि ये एयर फ्लो की जरूरत नहीं है जो कमरे फिर वो जो ऊपर लग जाना है ना फिर उसके एयर फ्लो के अंदर बड़े मसले आएंगे तो वो चीज़ के लिए फिर मैं इसको नहीं लगाया। ये सप्लाई है या वाह निकाल रही है ये अंदर खींच रही है, इसको सकिंग में मसला आएगा मतलब अंदर खींच रही है समझ रहे ना भाई। नोटी, नोटी, नोटी। हेलो हेलो
एक और चीज मैं ये बताऊंगा कि अगर ये बंदा कोई डेस्क के अंदर सेटअप बनाना चाहता है तो यही सेम चीज आप इसके ऊपर बना के टेबल के ऊपर रख के बना लें, इसको टेबल पे लगा लें, वॉल पे माउंट कर लें, जहां टेबल पे लगाने का फिर एयर फ्लो का होगा, एक साइड से वो इन करे एक साइड से आउट करे, सुराख करके आपको एक्स्ट्रा फैंस लगाने पड़ेंगे, जैसे ये लगे हुए हैं, ये शशके तो लगे हुए हैं, ये शशके हैं, फिर वहां ओरिजिनल यूज करेंगे, ओरिजिनल यूज करने पड़ेंगे हाई एयर फ्लो वाले, ताकि अंदर से एयर जो इनटेक और एग्जॉस्ट फैन जो है एयर जो अंदर बाहर होती रहे, अंदर बाहर होती रहे वो चीज। सो बेसिकली ये सारा सेटअप था हमारे खालिद भाई के, इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया। खालिद भाई पसीना आ गया, वो मेहनत इधर सुटो, हेलो इधर तो सुटो पसीना सारा। सो ये सारा सेटअप था, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं सेटअप से रिलेटेड खालिद भाई से नीचे कमेंट में رابطہ करें, चुप करके घर पे ही नहीं رابطہ कर सकते हैं आप, या मर्जी फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी رابطہ कर सकते हैं, मैं फुल कोशिश करूंगा आपको रात को 12 बजे के बाद जवाब दूं, मतलब कि उस टाइम बारी होता हो तो जवाब दे सकते हो यार, समझा करो क्या करें। नाइस खालिद भाई, नोटी नोटी। सो यार बॉयज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, कोई क्यों नहीं कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ दें हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओगो थमने बातू बोल जाना। You serious?